फाइनली आज पाकिस्तान ने इंडिया को 6 विकेट से शिकस्त दी है, जो हांगकांग सिक्सेस का टूर्नामेंट चल रहा है। पाकिस्तान ने पहले मुकाबले में आज यूएई को शिकस्त दी 13 रन से, और तब भी पाकिस्तान ने एक भी विकेट नहीं गवाया, और इस मुकाबले में भी पाकिस्तान ने इंडिया को 6 विकेट से शिकस्त दी। और आसिफ अली एक बार फिर से टॉप परफॉर्मर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी आसिफ अली आज कर रहे हैं। और पहले मैच में भी उन्होंने भाई साहब 14 गेंदों का सामना किया, 50 बनाई, और इस मुकाबले में भी उन्होंने 50 बनाई और आउट ये कभी हुए नहीं है जो अभी 2 मैच आसिफ अली ने खेले। तो शानदार बल्लेबाजी और 7 छक्के आज आसिफ अली ने लगाए। आसिफ अली के साथ साथ मोहम्मद इखलाक ने भी 40 रन बनाए, और इससे पहले वाले मुकाबले में जो यूएई के खिलाफ था उसमें भी मोहम्मद इखलाक ने 50 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। तो कहीं ना कहीं आज जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो भाई साहब बड़े खुश होंगे, वो इसलिए क्योंकि चाहे आप नेशनल टीम की बात करें, इमर्जिंग हो या वुमेन्स जो टीम है पाकिस्तान की या लेजेंड्स टीम, तो इस साल जितने भी मैचेस हुए हैं पाकिस्तान कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जीता है। तो फाइनली आज पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को हराया है, और सबसे ज्यादा अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो आसिफ अली को, क्योंकि आसिफ अली ने भाई साहब दोनों मैच में, पहले मैच में तो पहले बल्लेबाजी भी की, उसके बाद जब आखिरी ओवर में 20 रन डिफेंड करने थे वहां पर सिर्फ 6 रन खारिज किए और 2 विकेट्स लिए, और इस मैच में भी आसिफ अली के बल्ले से खूब रन्स आए हैं। अब दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो आगे का सफर है वो अब आसान है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल्स या फाइनल्स खेलना डिजर्व करती है। अब ये आपको कल ही पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान की ये जो परफॉर्मेंस है, क्या पाकिस्तान ये परफॉर्मेंस रिपीट करेगी, क्योंकि दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान का अभी एक भी विकेट आउट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ से अगर आप देखिए बाकी टीम्स भी भाई चाहेंगी कि वो आगे जाए, खासकर जो सबसे बेहतरीन मुझे टीम लग रही है इस वक्त वो नेपाल की है, क्योंकि नेपाल ने आज इंग्लैंड को हराया, और एक बल्लेबाज इनका है जिनका नाम संदीप जोरा है, उन्होंने भाई साहब 12 गेंदों का सामना किया, 12 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने 50 रन बनाए, मतलब 97 रन इंग्लैंड ने बनाए थे और इन्होंने 4.5 ओवर में ही वो 99 रन जो थे बनाने थे वो हासिल कर लिए। अब जो पाकिस्तान की टीम है आपको कल और मुकाबले देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।